नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपको आपका YouTube चैनल मिश्रा क्लास में फिर एक बार आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम अनीश मिश्रा, मैं आप लोग को गणित में पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और हम लोग बेसिक से पहले हर एक चीज को जानते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे धन पूर्णांक। दोस्तों आप लोग को पता होगा धन पूर्णांक किसे कहते हैं। जिंदगी में याद रखिएगा, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसी को हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं। क्या जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राकृत संख्या यह प्राकृतिक संख्याएं, यह प्राकृतिक संख्याएं, यह प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। यहां पर लिखिएगा धन पूर्णांक कहलाती है। अब देखिएगा धन पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या को हम धन पूर्णांक कहते हैं। अब दोस्तों ये प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या है क्या, तो पहली चीज आपको हम बता दें दोनों सेम मीनिंग है, सेम अर्थ है, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याएं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों ऐसे संख्याएं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को हम धन पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, धन पूर्णांक। तो समझ में आ गया दोस्तों, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक ही कहलाती हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या है क्या, तो बोलिएगा ऐसी संख्याएं जिसकी शुरुआत 1 से होती है, 1, 2, 3, 4 फिर कहाँ तक, अनंत तक, ठीक, अनंत तक होती है, इसे को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। यही प्राकृत संख्या क्या हो जाएंगी, धन पूर्णांक हो जाएंगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। और इसका हम प्रतीक की बात करते हैं, साइन की बात करते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं। धन पूर्णांक को आई प्लस से और कहीं कहीं आपको कैपिटल एन आपको दिखेगा। दोस्तों कहीं कहीं आपको क्या दिखेगा, कैपिटल एन। तो इसका प्रतीक क्या है, आई प्लस है और हमारा कैपिटल एन है, ठीक है। आई प्लस को भी धन पूर्णांक कहते हैं। लिखने का तरीका, मतलब शॉर्ट में आई प्लस को डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्या है, आई प्लस लिखा हो तो ये समझ जाइएगा धन पूर्णांक की बात कर रहा है। और एन लिखा हो, एन को नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एन का मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आपकी क्या है, धन पूर्णांक है। तो एन से भी डिनोट करते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं आपको। चलिए उम्मीद कर लेता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। अगला दूसरा पॉइंट आपको दोस्तों हम बताते हैं, यहाँ पर पूर्ण संख्या या फिर पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, शून्य सहित धन पूर्णांक, शून्य सहित धन पूर्णांक को हम लोग को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा धन पूर्णांक तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया है दोस्तों, धन पूर्णांक आपने पढ़ लिया है, ठीक है। धन पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनेटू तक है। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर हैं, और ये आपकी क्या है, धन पूर्णांक है। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या हुई, पूर्ण संख्या कुछ छूट रहा है, ठीक है। हमारी नॉर्मल संख्या आपकी बात करूं तो संख्याएं अगर कोई पूछे कितने होती हैं, तो बोल दीजिएगा सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 संख्याएं इतनी होती हैं।
ठीक है, उसके बाद 10 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 10 लिखोगे दोस्तों तो आप देख रहे हो कि 10 में डिजिट कितने, अंक कितने हैं, तो बोलोगे सर 1 और 0 है, 1 और 0 ऊपर आ चुका है, मतलब इन्हीं डिजिट इन्हीं अंक को मिलाकर आगे संख्याएं बनाई गई हैं। तो यहाँ पर संख्याएं कितनी है, नॉर्मल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। अगर मैं 0 को भूल जाऊं तो ये जितनी संख्याएं आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएंगी, प्रकृति संख्याएं हो जाएंगे, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉटेड इन्फिनिटी तक ये सारी क्या प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूं तो ये कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 सहित धन पूर्णांक को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें, नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अगला तीसरा पॉइंट दोस्तों हम लोग लिखते हैं यहां पर, ऋण संख्याएं। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, ऋण संख्याएं हैं, ठीक है। इसको मैं यहां से इसका इतना मिटा देता हूं, आप लोग नोट करते रहिएगा, सारी चीजें बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, स्टार्ट यहीं से है दोस्तों, ठीक है। ऋण संख्याएं, ठीक है। अब देखिएगा ऋण संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण संख्याएं कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण संख्याएं कहते हैं। बस एक चीज ध्यान देना है आपको, अगर मैं यहां पर आपसे एक लाइन खींच दूं, नंबर लाइन बनाऊं, तो बीच में आपको पता है 0 होता है, यहां पर 1 होता है, यहां पर 2 होता है, यहां पर 3 होता है, फिर आगे चल के डॉट यहां पर इन्फिनिटी होता है, इतनी बात याद रखेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां पर 1 लिखूं, -1 -2 -3 -4 डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है दोस्तों। अब ये मत कहते हैं सर इन्फिनिटी माइनस में होगा, ठीक है, इन्फिनिटी का साइन डिनोट नहीं होता, इन्फिनिटी ऐसे ही रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मतलब इन्फिनिटी तक इधर भी आपको पता है कि 1 से अगर कोई संख्याएं स्टार होती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं, तो प्राकृतिक संख्या है या फिर धन पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जो 0 सहित 0 को इंक्लूड कर दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगे, ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं आपको पता है कि इसको हटा देते हैं, इसको दोस्तों हटा देंगे। अब यहाँ पर जो भी संख्याएं बची हैं, ये सब संख्याएं क्या हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, मतलब वही लिखा ना, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल लिखूंगा, तो यहाँ पर देखो दोस्तों ऐसे लिखना है, इन्फिनिटी --- -4 -3 -2 -1, ये आपकी एग्जाम्पल हो गया। ऐसी संख्याएं जो माइनस में हो, ऋण पूर्णांक हो, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसे हम ऋण संख्याएं कहते हैं। अब याद रखिएगा, अब प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती है, अनंत पर जाती है, देखो अनंत पीछे है लेकिन यहाँ पर अनंत आगे है, क्यों आगे है, तो ऐसे ही देखो मैंने लिख के बता दिया भाई, 0 यहाँ पर -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 0 होगा, फिर 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, ठीक है, जैसे लिखने का तरीका यहाँ पर वैसे मैं एग्जांपल लिखूंगा। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट समझ में आ गई, धन पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, ऋण संख्याएं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं अगर आप एक बार अच्छे से क्लास पढ़ लेंगे तो दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बार में यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए, पर मैं इसको फिर मिटाता हूँ, फिर आगे चलूंगा यहाँ से। चलिए दोस्तों, ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था आपको, यहाँ पर मैंने ऋण पूर्णांक, ऋण संख्याएं पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ऋण संख्या, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ लिया है ऋण संख्या को। अगर हम इसके प्रतीक की बात करें, डिनोट की, सैंपल की बात करें, तो ऋण संख्या का सैंपल क्या होता है, आई माइनस होता है। अब कुछ दोस्तों लोग ये मत कहना कि यहाँ पर एन माइनस होगा, नहीं, अब आप लोग सोचोगे सर वहां पर आपने धन पूर्णांक पढ़ाया था, धन संख्या पढ़ाई थी, ठीक है, तो आपने बोला था इसका जो प्रतीक था वो आई प्लस था और एन था, ठीक है,
तो इस वजह से n माइनस होगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपकी ऋण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, i माइनस ही होगा, ठीक है। तो समझ गए हम, यहाँ पर समझ गए, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनेटू तक जाती हैं, हमने कहा था प्राकृतिक संख्याएं ही धन संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसलिए वहां पर नेचुरल मतलब n लिखा गया था, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, i माइनस होगा, ठीक। अगला चौथा पॉइंट आता है दोस्तों, पूर्णांक। अब कहता है पूर्णांक आता है, तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं फिर समझाते हैं आपको, ठीक है। डेफिनेशन लिख देते हैं फिर आपको यहाँ पर समझाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है, धन पूर्णांक कॉमा ऋण पूर्णांक और शून्य संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं एक लाइन खींचूं और यहाँ पर बोल दूं जीरो, ठीक है, यहाँ पर बोल दूं वन, यहाँ पर बोल दूं टू, यहाँ पर बोल दूं थ्री और आगे बोल दूं इन्फिनेटू, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बोल दूं माइनस का वन, यहाँ पर बोल दूं माइनस का टू, यहाँ पर बोल दूं माइनस का थ्री, यहाँ पर बोल दूं माइनस फोर और उधर आगे बोल दूं इन्फिनेटू, ठीक है। आप इस पूरे नंबर लाइन को जो शो कर रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक में क्या आ जाएंगी, तीनों चीज आ जाएंगी, ठीक है। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जीरो के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अगर इसके प्रतीक की बात की जाएगी, सिंबल की बात की जाएगी, तो सिर्फ आई होगा, ठीक है, आई होगा, कैपिटल आई। तो ये समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और पूर्ण नंबर, हमने सारी चीजें बताई हैं। तो इतना नोट करिए, फिर आगे चलें। चलिए दोस्तों, आगे हम पांचवा पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पांचवा पॉइंट आपका क्या है, सम संख्याएं, सम संख्याएं। दोस्तों आप लोग को जरूर ये सारी चीजें पता होंगी, ठीक है, लेकिन चैप्टर को स्टार्ट से शुरू करना, तो ये सारी चीजें आपको बतानी ही होंगी, ठीक है। और जिन दोस्तों को नहीं पता होगा, वो यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं उसे सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं। अब दो से विभाजित होने के लिए उस ऐसे नंबर जिसके अंत में, ठीक है, दो से विभाजित होंगी तो उसका रूल है, जिसके लास्ट में जीरो, दो, चार, छः और आठ संख्या आ जाए, वही संख्याएं दो से विभाजित होंगी। अगर जिस नंबर के लास्ट में अंतिम में अंक जीरो, दो, चार, छः, आठ आएंगे, वही संख्याएं दो से कटेंगे। अगर वो संख्याएं दो से कट गई तो क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगला छठा पॉइंट आपको हम बताएंगे यहाँ पर, विषम संख्या, विषम संख्याएं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या आएगी, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, उसे
विषम संख्या कहते हैं। ये बात समझ वाले हैं एग्जाम्पल में, ठीक है एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपको पता है कि जीरो यहाँ हो नहीं सकता, जीरो के बाद क्या आता है एक आता है, ठीक है दो नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस नंबर के अंतिम अंक जीरो दो चार छ आठ होगा वो क्या हो जाएगा दो से चला जाएगा, दो से विभाजित हो जाएगा। अगर वो संख्या जो दो से विभाजित हो जाती है तो क्या कहलाती है सम संख्या कहलाती है। तो ये अंक आपने जीरो भाई वहां ऊपर चला गया तो एक आएगा, दो ऊपर चला गया तो तीन आ जाएगा यहाँ पर, फिर चार ऊपर चला गया तो पांच आ जाएगा, फिर छह ऊपर चला गया तो सात आ जाएगा, आठ ऊपर चला गया तो नौ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसके अंतिम अंक एक तीन पांच सात ठीक है नौ होंगी, ठीक है ऐसे आगे भी संख्या होंगी, ठीक है वो संख्या क्या कहलाएंगे यहाँ पर विषम संख्याएं कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए, चलिए दोस्तों नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है ये आपकी अंतिम अंक की बात हो रही थी दोस्तों, ठीक है आगे 11 भी हो सकता है, आगे 13 भी हो सकता है। अगर आगे हम 11 लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक और एक, तो जिस संख्या के अंतिम अंक एक हो तीन हो पांच हो सात हो नौ हो ठीक है वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो समझ गए मतलब ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होगी उसे हम विषम संख्या कहेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। अगर जो संख्या दो से विभाजित हो जाएंगी उसे हम सम नंबर बोलेंगे, ठीक है सम संख्याएं बोलेंगे दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा बोर्ड पे सारी चीजें मैंने लिख भी दिया है आपको, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं पढ़ते हैं अभी, चलिए। तो अगला पॉइंट जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले डेफिनेशन ले देता हूं, ठीक है जो संख्याएं अपने आप से इसको हम लोग स्वयं भी लिख सकते हैं, जो संख्या स्वयं और एक से अतिरिक्त अलावा एक से अतिरिक्त अन्य संख्या से ठीक है दोस्तों। जो संख्या अपने आप से मतलब स्वयं से और एक से अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं ठीक है। अब मतलब समझिए ऐसी संख्याएं जो अपने आप से कट रही हैं, ठीक है भाई हर एक संख्याएं क्या है अपने आप से कट जाएंगे, मेरी बात को दो बात को सुनिएगा, दुनिया की सारी संख्याएं अपने आप से कट जाती हैं और वन से भी कटती हैं, ठीक है भाई आप एक को ले आओ एक काट देगा, 15 ले आओ तब भी एक के पारे 15 आता है, 1000 ले आओ तब भी एक के पारे 1000 आता है, मतलब कि दुनिया की जितनी भी नंबर्स हैं वो सब एक से कट जाएंगे। इसके अलावा भाई 15 है 15 के टेबल 15 आता है, 15 एक कम 15 20 है 20 एक कम 20 ठीक है, मतलब ऐसी संख्याएं दुनिया की जो अपने टेबल में आती है। तो दो बातें याद रखिएगा, मतलब कोई भी नंबर हो वो अपने टेबल से भी जाएगा और वन से भी जाएगा, ये दोनों तो कॉमन है, अपने भी टेबल से जाएंगे और वन से भी जाएंगे। तो ऐसी संख्या है जो अपने टेबल से कटे और वन से कटे, अगर इसके इन दोनों के अतिरिक्त भी कोई दूसरा नंबर आके उसको काट रहा है तो क्या हो जाएंगी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, नहीं समझेंगे। जैसे मैं ले लूं यहाँ पर, जैसे मैं ले लूं 4 ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा 4 को एक काट रहा है भाई, एक चौके 4 एक काट दिया ठीक है,
उसके बाद चार भी इसको काट देगा, ये दोनों तो काट देंगे, ये दोनों तो कोई भी नंबर है मतलब कोई भी नंबर हो जो, तो वन भी काट देता है अपने आप को भी काट देगा, ठीक है। तो एक भी काट दिया, चार भी काट दिया, लेकिन इसके अतिरिक्त दो भी इसको काट रहा है, दो भी इसको काट रहा है, तो दो भी इसको काट रहा है, तो ऐसी संख्या जो अपने आप स्वयं भी और एक भी, इस इन दोनों के अतिरिक्त भी कोई और अन्य संख्या इसको विभाजित कर देता है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब समझ गए भाज्य संख्या, सिंपल बात करें तो ऐसी संख्या है जो अपने आप और वन से कटने के बाद भी कोई और दूसरा नंबर भी इसको काट दे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो दोस्तों बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सबसे, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो सम है, पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी, सबसे छोटी, आप लोग लिखते चलिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो सम है, तो आंसर भी क्या है यहां पर, चार, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बताइए, तो इसका आंसर क्या आएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, भाज्य संख्या बताइए, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या आएगा, चार आएगा। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई, तो भाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्याएं अपने आप से और एक से कटने के साथ साथ दूसरा नंबर भी, ठीक है, दूसरा नहीं कह सकते, तीसरा नंबर भी, या फिर इन दोनों के अलावा भी कोई और काट देता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। हमारी बात को आप तक जरूर पहुंच गई होगी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, सबसे छोटी संख्या बताओ भाज्य जो सम हो, तो चार होगी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी, इसका भी आंसर क्या होगा, चार होगा, ठीक है। दोस्तों तो एग्जाम्पल की बात करेंगे, आपको पहली बात तो दो चीजें हैं आपको नीचे दिख रहा है, ये भी हम देख लेते हैं, और दूसरी चीज लाइट चली गई तो आपको अंधेरा दिख रहा होगा बोर्ड, ठीक है, आपको नीचे नहीं दिख रहा दोस्तों, थोड़ा सा मैं करता हूँ, ठीक है, आप इसको इतना नोट कर लीजिए, आपको सारी चीजें दिख रही होंगी, चलिए सामने आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है क्लियर, ठीक है, लाइट अभी आ जाएगी, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे भाज्य संख्या की, तो आपका चार होगा, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों छः को भी देखो, यहाँ पर छः को भी देख लो, ठीक है, एक काट रहा, छः भी काट रहा है, ठीक है, ये तो दोनों काट रहे, अपने आप से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त दो भी आपको काट दे रहा है, तीन भी काट दे रहा है, तो परिभाषा लागू हो रहा है इस पे, ऐसी संख्या है जो एक से काट दे, स्वयं से कट जाए, या और इसके अतिरिक्त कोई और भी नंबर इसको विभाजित कर दे तो दो और तीन विभाजित कर, छह क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर, आठ, ठीक है, फिर क्या होगा, नौ, फिर क्या होगा, दस, फिर क्या होगा, बारह, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे, तो इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं, इतना आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको आगे पढ़ाता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने हेडिंग डाल दिया है, अगला क्या हमें होता है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो पहले परिभाषा लिख देते हैं फिर समझते हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, एक से अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कोई और संख्या से, कोई
और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से तो कट जाएं। ऐसी संख्याएं दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो स्वयं भी काट दे और एक भी काट दे। मैंने कहा कि दुनिया के सारे नंबर क्या हैं, ऐसे नंबर को दुनिया के कोई भी नंबर ले आओ, वो अपने आप से भी कट जाएंगे और एक से भी कट जाएंगे। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है? एक के अतिरिक्त, मतलब इन दोनों के अतिरिक्त, ये दोनों तो काट दें, लेकिन इनके अतिरिक्त अगर कोई दूसरा संख्या अगर नहीं काट रहा है तो वो क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर दो, ठीक है दोस्तों, अब देखो इस दो को देखो, वन से वन के टेबल आता है, एक दूनी दो कट गया, फिर ये दो से कटो दुई एकम, दुई दुई से दुई कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसको काटने के लिए कोई तीसरा नंबर यहाँ पर आ रहा है? कोई पैदा ही नहीं हुआ कि इसको काट दे, कोई भी नहीं काट पाएगा। तो दो क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार आपका दोस्तों यहाँ पर हम तीन लेते हैं। अब तीन देखो, एक काट दे रहा है, एक के टेबल में तीन आता है और तीन के टेबल में तीन आता है, क्या दूसरा नंबर इसको काट पाया है? क्या दूसरा नंबर दूसरे के टेबल में आता है? चेक करके बताओ, दूसरे के टेबल में तीन नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अगली संख्या हम ले लेते हैं आपको पांच। एक से चला जाएगा, पांच से चला जाएगा। अब मुझे बताओ क्या इन इस पांच को कोई तीसरा काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो यही आपके क्या है, दो तीन पांच, आगे भी होगा, आगे क्या हुआ, सात होगा। ठीक है दोस्तों, एक से कट जाएगा, सात से कट जाएगा, क्या दूसरा कोई काट पा रहा है? दूसरा नहीं काट पा रहा है। ठीक है, मतलब तीसरा नहीं काट पा रहा है। तो दो तीन सात, आगे भी डॉट डॉट इन्फिनिट टू तक। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और वन से कट जाए लेकिन तीसरे संख्या से ना भी विभाजित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? दो ही होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए तो दो होगी। इसको घुमा से पूछ लेगा, बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम है वो क्या होंगी? दो होंगी। ठीक है, दो ही होगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूँ। ठीक है, यहां से मैं मिटा देता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए, इसको थोड़ा हल्का कर देते हैं, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है, कुछ मैं इसको हल्का कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, दो एक अपवाद है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर पढ़ाने से पहले अपवाद है। ठीक है, अब देखिएगा, दो अपवाद है क्योंकि सम संख्या है दो। ठीक है, सम संख्या है। ठीक है, पहली पॉइंट है, पहला पॉइंट, अभाज्य संख्या सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्या इसको मैं व्याकरण लिख देता हूँ, 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, अभाज्य संख्याएं सम संख्याएं नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। ठीक है, ठीक है, पहली पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या के लिए किसी संख्या के अंत में पांच आ जाए तो भी
अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। दो लाइनें याद रखिएगा, अभाज्य संख्याएं सम संख्याएं नहीं होती हैं, दो अपवाद है। उसके अलावा कोई भी दूसरी संख्या जो ऐसा ढूंढ के दिखा दीजिए जो सम संख्या हो दो के बाद है, ठीक है। दो तो आपका होगा, ये तो अपवाद है, संशय है, ठीक है। उसके बाद आपका नहीं होगा, ठीक है, आपके सम संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है। अभाज्य संख्या किसी संख्या के अंत में अगर पांच आ जाए तो भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। अगर ये दोनों पॉइंट याद रहोगे, अगर कोई बोल दे कि 30 से 40 के बीच में आपको अभाज्य संख्या निकालनी है फ्रेंड्स दोस्तों, तो क्या करोगे आप? डायरेक्ट बता दोगे भाई जीरो लिख लो, पहले लिखने तरीका देख, 31 फिर 32, ठीक है, फिर 33, फिर 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ठीक लिख लिए। अब पहली पॉइंट पढ़ो, सम संख्या नहीं होनी चाहिए, जिसके जीरो है ना यहाँ पर 32 है भाई, 34 है, 36 है, 38 है, 40 है, ठीक है। पढ़ लिया आपने, ये संख्याएं तो ऐसे ही गायब हो गई, जिसके लास्ट में पांच आ जाए वो भी नहीं होती हैं, ठीक है। बच्चा क्या 31 बच्चा, 33 बच्चा, ठीक है, 37 बच्चा, 39 बच्चा, मतलब आप मेरी बात को समझिएगा, किसी दो नंबर के बीच में 10 से 20, 20 से 40, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मतलब डिफरेंस अगर इतने बीच नंबर में बताना है तो सिर्फ याद रखिएगा मेरी बात को, एक नोट करके लिख लीजिएगा। अगर कोई 50 से 60 के बीच में पूछ ले तो आपको पूरे में नहीं ढूंढना है, इनके बीच में सिर्फ चार ही नंबर होंगी जो पॉसिबिलिटी होगी, मतलब कंफर्म नहीं कि चारों होंगे, पॉसिबिलिटी होगी, मतलब कहा मैंने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 नंबर को ढूंढना है आपको, ठीक है, भाग करना है, चेक करना है, कहा मैंने 11 नंबर में 7 नंबर तो इससे घटा दिए, 7 नंबर तो इससे माइनस कर दिए, ट्रिक से कि अगर संख्याएं लास्ट में सम संख्याएं हो, ठीक है, सम संख्या मतलब 0, 2, 4, 6, 8 वो काट दो, ठीक है, अंतिम अंक 5 वो काट दो, ठीक है, 2, 4, 5, 1, 6, 6, 7 नंबर तो इससे मैंने यहाँ से हटा दिए। अब 4 नंबर में आपको नहीं कर पाओगे, यहाँ पर लगभग 80% आपका टाइम बचा दिया दोस्तों, तो 4 नंबर में अब यहाँ पर चेक कर लो 31 यहाँ पर ढूंढ सकते हो, ठीक है, ये होगा आपका, ठीक है, ये रिपीटेड नंबर, और ये भी याद कर लो, रिपीटेड नंबर भी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अभाज्य संख्या के लिए, रिपीटेड नंबर भी अभाज्य संख्या देंगे, जैसे आपका 11 छोड़ दो, ठीक है, 11 होगा, ठीक है, 22, ठीक है, 33, ठीक है, 44, 55, 66, ठीक है, 77, ठीक है, 88, ठीक है, रिपीटेड नंबर भी, इसको भी अपवाद समझ लीजिए, ठीक है, 11 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 11 11 के टेबल में आता है, अपने आप को काट पाएगा, एक काट पाएगा, लेकिन इसके बाद जो भी आएंगे सारे नंबर कटते हैं जाते हैं, ठीक है, तो रिपीटेड नंबर भी यहाँ पर नहीं होगा, तो इसको भी काट दो, ठीक है, 37, अब किसी की ये 37 अपने टाइम में आता है, इसका मतलब यह भाग संख्या 39 नहीं होगा, क्योंकि इनके अंक को जोड़ दो, 9 और 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 12 आएगा, 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये 3 काट रहा है इसको, 13 भी काटे, 13, 43, तो भैया कितने कितना समय लगेगा आपको, दो ही नंबर है 30 से 40 के बीच में, अभाज्य संख्या कितनी होंगी, दो होंगी, 31 और 37 होंगी, तो दोस्तों समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा कोई तीसरा नंबर अगर नहीं काट पाता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब याद करिएगा पहली पॉइंट, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कभी भी सम संख्याएं नहीं होंगी, मतलब जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाएगी वो संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या नहीं होंगी। अगर वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है तो वो क्या, वो मतलब सम संख्याएं बोल सकते हैं, तो मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ कि अभाज्य संख्याएं कभी भी सम संख्या नहीं होती है, ठीक है, दो को छोड़ के, ठीक है। फिर अभाज्य संख्याएं किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 आ जाए, किसी संख्या के लास्ट डिजिट, लास्ट अंक 5 आ जाए तो भी नहीं होगा, ठीक है, किसी संख्या का लास्ट डिजिट। अब बोलोगे सर जी 5 तो आपने यहाँ पर 5 होगा अभाज्य, तो दोस्तों हम कह रहे हैं किसी संख्या के लास्ट डिजिट, दो डिजिट की बात कर रहा हूँ, ये तो आपका सिंगल डिजिट है, ठीक है। अब बोलो 15
क्या यहाँ पर 15 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये एक से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, लेकिन ये 3 और 5 भी काट रहा है, तो हमने कहा किससे संख्या की लास्ट डिजिट 5 आ जाए तो अभाज्य संख्या नहीं होंगी, ठीक है। रिपीटेड नंबर भी नहीं होती है अभाज्य संख्या 11 को छोड़कर दोस्तों, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो उसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, और ये जो क्लास स्टार्ट किया है दोस्तों, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, हम हर एक चीज को बेसिक से देख के स्टार्ट किए दोस्तों, ठीक है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और ये क्लास लगभग हम रेगुलर ही चलाएंगे, कल भी इसी समय हम लोग मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। एक वजह से ये क्लास रेगुलर होगी, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हर एक क्लास को रेगुलर चलाया दोस्तों, अब ये कोशिश मंडे से, और दोस्तों आप लोग का सपोर्ट से इस चैनल को मंडे को हम लोग 7th से लेकर 12th तक रेगुलर ही कर देंगे दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हो जानी चाहिए ऐसा, ठीक है, कुछ इशू आ रहा है इसकी वजह से ये रेगुलर क्लास नहीं चल पा रही दोस्तों, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी। किताबें ले आए हम दोस्तों, और हम आपको 7th हो गया, 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th, 12th सारी चीज़ें आपको 7th से लेकर तो हाई स्कूल तक मैंने पहले भी आपको बताया कि सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है, 11th और 12th की सिर्फ मैथ में पढ़ाऊंगा, और आपके जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की वो ट्राई करूंगा बहुत बेहतर तरीके समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों आप लोग को, ठीक है। तो मैंने आज स्टार्ट कर दिया है, आप लोग का दोस्तों सपोर्ट चाहिए दोस्तों, जरा भी आप लोग को अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, इस क्लास को, ठीक है, आप लोग पूरा सपोर्ट करिए ताकि मैं इसको आगे लेकर चलूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, और मैं जो भी समझा रहा हूँ आप लोग के दिमाग में आ रहा है और आप लोग को वहाँ पर समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ठीक है, हम इस क्लास को कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है, रोज डेली क्लास, ये जो नंबर सिस्टम चालू हुआ है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, मैं एक एक चीज़ यहाँ पर वर्ड लिखूंगा, पहले लिख के नहीं लेकर आऊँगा, ये उम्मीद करेंगे कि मैं साथ में लिखूँ और साथ में बताऊँ आपको, और साथ में आप समझो और आप नोट भी करते चलो, ठीक है, एक एक पॉइंट, ठीक है दोस्तों। हाँ, हर एक चीज़ तो आपको नहीं बताया जा सकती, एक तो जो पॉइंट छूट जाएंगे दोस्तों उसके लिए सॉरी दोस्तों, ठीक है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, बार बार मैं कर रहा हूँ, आप लोग के सपोर्ट से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए दोस्तों मैं आप लोग के सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर मेरा सपोर्ट करोगे, ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, कल मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।